हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया मुझे जो है कॉलेज सिलेक्शन में जो है बहुत प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है सिर्फ कट ऑफ के बेसिस पे जो अपनी कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये बहुत रॉन्ग वे है। सिर्फ आप जो है कट ऑफ के बेसिस पे अपनी कॉलेज लिस्ट नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, इसके लिए जो बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। अगर आप चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, फार्मेसी के स्टूडेंट हो और एग्रीकल्चर के क्यों ना स्टूडेंट हो, आप ये सारे फैक्टर्स को अगर अप्लाई करते हो तो आप अपने लिए जो एक बेस्ट कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपने परसेंटाइल पे, आपका जो भी परसेंटाइल है उसके ऊपर जो बेस्ट कॉलेज है, वो सारे जो है इस फैक्टर पे जो जो मैंने इस बोर्ड पे लिखे, वो सारे फैक्टर्स को अगर आप ध्यान से अगर अप्लाई करते हो तो आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। और आज सुबह ही जो है खुशी मैम ने बेस्ट कॉलेज एट लो स्कोर फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स, उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो लॉन्च किया था, और आज सुबह ही जो है खुशी मैम ने वो वीडियो लॉन्च किया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपके स्कोर 50 से लेके 100 के बीच में, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है उस वीडियो में खुशी मैम ने डिस्कस किए, वो सारे कॉलेजेस के नेम जो है आप एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम सारे फैक्टर्स देखेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट योर बेस्ट कॉलेज एट योर स्कोर। तो इतने सारे मैंने फैक्टर्स लिखे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जो है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन नहीं होने वाला है ऐसी यूजफुल कंटेंट, ऐसी यूजफुल वीडियोस जो आपको इस चैनल के थ्रू मिलेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वीडियो को देखते तो है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, तो आपको जो है 100% इस चैनल के थ्रू हेल्प मिलने ही वाली है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए। बहुत सारे यूजफुल कंटेंट आने वाले, आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, कैपराउंड का फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ जो है इस चैनल के थ्रू आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट देखना होता है कि अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो ओपन, ओबीसी, एसटी, एनटी, एससी, यही सबसे पहला एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉलेज सिलेक्शन के लिए। अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सबसे पहले देखना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है लेकिन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी होता है लेकिन उनके पास एनसीएल नहीं होता है, नॉन क्रीमी लेयर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उस कैटेगरी के जो है कट ऑफ देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कैटेगरी वाइज आपको देखना है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सेकेंड जो है होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी। अब ये जो सेकेंड पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो अगर आप पुणे से हो और आपको जो एडमिशन चाहिए वो मुंबई में चाहिए, तो आप जो है अदर देन होम यूनिवर्सिटी में आ जाते हो। अब वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी का आपको जो है कट ऑफ देखना होता है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा कट ऑफ ही है। अभी काफी सारे स्टूडेंट जो है जनरल ओपन का कट ऑफ देख लेते हैं, लेकिन आपको जो है वो सारे फैक्टर्स को भी देखना है कि आप होम यूनिवर्सिटी में आते हो कि अदर देन होम यूनिवर्सिटी में आते हो। अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो और पुणे का ही कॉलेज चाहिए तो आपके लिए होम यूनिवर्सिटी हो गया, तो आपको जो है होम यूनिवर्सिटी के कट ऑफ देखना है। अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो और आपको कॉलेज मुंबई में चाहिए तो आप जो है अदर देन होम यूनिवर्सिटी में आओगे। वो एचयू का मतलब होता है अदर देन होम यूनिवर्सिटी, तो अदर देन होम यूनिवर्सिटी का आप जो है कट ऑफ देख सकते हो। अब इसमें कट ऑफ देखने के लिए भी एक प्रॉपर वे होता है, उसमें बहुत आपने पीडीएफ देखा होगा, वो 1000 पेज का पीडीएफ होता है, तो उसमें बहुत सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। अगर आप कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो वो कैटेगरी का जो अलग से कट ऑफ रहता है वो पीडीएफ में जो है अवेलेबल होता है। तो आप जो है कट ऑफ देखना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद रीजन सिलेक्शन होने के बाद जो है आप कट ऑफ देखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका कट ऑफ आपके रैंक और परसेंटाइल से मैच होता है तो उसके बाद जो है उस कॉलेज में जो है हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। समझो आप पुणे के हो और आपको मुंबई में एडमिशन चाहिए, तो सबसे पहले आप जो है हॉस्टल के लिए देखोगे कि हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, तभी जो आप उस कॉलेज में जाओगे। समझो अगर आपने कट ऑफ देख लिया, फिर उसके बाद आपकी रैंक और परसेंटाइल जो है मैच हो रहे हो और आपकी एडमिशन जो है वहाँ पे पॉसिबल है, उसके बाद आपको देखना है हॉस्टल फैसिलिटी। अगर वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स क्या करेंगे अगर वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी जा रहे, पुणे से मुंबई आ रहे, तो उधर गर्ल्स लोग हॉस्टल फैसिलिटी अगर उस कॉलेज में नहीं है तो गर्ल्स लोग के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपको जो है हॉस्टल फैसिलिटीज उस कॉलेज में है कि नहीं है ये भी आपको सर्च आउट करना रहेगा। नेक्स्ट जो है फीस स्ट्रक्चर। अभी आपने कट ऑफ देख लिया, हॉस्टल फैसिलिटीज देख ली, फिर उसके बाद उस कॉलेज की फीस क्या है, आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, आपके फैमिली से आपको डिस्कस करना होगा, आपके मम्मी पापा से डिस्कस करना होगा। ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको पूरी की पूरी 100% फीस भरनी होती है। अगर ओपन कैटेगरी में भी अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपकी जो है 66,000 रुपीज जो है स्कॉलरशिप से माफ हो जाती है,
और जितने भी मुंबई में और पुणे में जितने भी कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस है उनके सबकी जो फीस है 1 लाख अबो ही है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और जो फार्मेसी के जो कॉलेजेस है वो भी लगभग 1 लाख तक ही है उनकी सारी कॉलेजेस की फीस। तो इस तरीके से आपको जो है सारे कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर भी देखना है कि कौन से कॉलेज को आप अफोर्ड कर सकते हो कौन से कॉलेज को नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है प्लेसमेंट। अब ये स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए बहुत मैटर करता है। अगर आपने अच्छा कॉलेज सिलेक्ट कर ही लिया और उसके बाद उधर आपको पता चलता है कि उधर का प्लेसमेंट रेशियो जो है बहुत ही कम है, समझो कोई 100 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं और वहां से जो है सिर्फ 40-50 बच्चे ही प्लेसमेंट के लिए सिलेक्ट हो रहे, तो उधर का प्लेसमेंट रेशियो जो है अच्छा नहीं होगा। तो आपको ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करना है कि वहां का जो प्लेसमेंट रेशियो है वो अच्छा रहे, तभी आपको जो है 4 साल के बाद अच्छी जॉब मिलेगी। हालांकि इसके लास्ट वीडियो में भी मैं बहुत सारे लास्ट वीडियो में बोला हूँ कि आप जो है अगर आपको एवरेज कॉलेज मिलता है और वहाँ की जो प्लेसमेंट है उतनी हाई नहीं जाती है, तो आप जो है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी जो है प्रिपेरेशन कर सकते हो। वहां से भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छी हाई सैलरी जॉब जो है अचीव करते हैं। अगर कोई भी कॉलेज की मिनिमम प्लेसमेंट 3 से 4 लाख है तो वो कॉलेज बेस्ट है, एवरेज कॉलेज के लिए जो है वो बेस्ट रहेगा 3 से 4 लाख का जो पैकेज है। आपने काफी सारे कॉलेजेस के हाई पैकेज सुने होंगे कि इस कॉलेज का जो है 30 लाख पैकेज गया, इस कॉलेज का 40 लाख पैकेज गया, तो वो जो हाईएस्ट पैकेज जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स का ही जाता है, का बाकी जो स्टूडेंट्स का जो पैकेज जाता है वो एवरेज में ही जाता है, 6 to 7 लाख जाता है, 3 to 4 लाख जाता है। एक 3 to 4 लाख का भी जो पैकेज है वो काफी डिसेंट पैकेज है। तो अगर कोई भी कॉलेज में 3 to 4 लाख का पैकेज दिख रहा है आपको तो वो आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहेगा। नेक्स्ट जो है फैकल्टी। अभी फैकल्टी के लिए आपको देखना है कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ सिलेबस पूरा कवर होता है कि नहीं है, वहाँ पे पूरा कैंपस कैसा है, और इसके लिए जो है आप सीनियर की हेल्प ले सकते हो। काफी सारे सीनियर जो है जूनियर्स की हेल्प करते ही है। आप सीनियर को पूछो वहाँ की आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज में, सीनियर लोग जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये सारे 7 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको जो है कॉलेज सिलेक्ट करना होता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत लो स्कोर आए, उनको लग रहा है कि मेरा एडमिशन ही नहीं होगा, मुझे कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगा, उनको जो एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो इसीलिए हम लोग ने काउंसलिंग प्रोसेस जो है लॉन्च किया है। काउंसलिंग प्रोसेस की रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है, बट थोड़े ही दिन में जो है वो क्लोज होने वाली है, कुछ ही लिमिटेड सीट्स ही अभी बची हुई है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने रेस्पॉन्स दिए, काफी सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। अभी काउंसलिंग में आपको जो है इसमें ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कॉलेजेस की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको जो है सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जेनुअली नीड रहती है, तो वो जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है काउंसलिंग प्रोसेस की लिंक दी गई है, वहां से जो है आप चेकआउट कर सकते हो। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।